हाय गाइस, मैं सोनिया एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग में। आज का वीडियो कोई बुक रिव्यू या बुक समरी वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। ये रीडर्स का एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि किंडल ऑप्ट करें या बुक्स को फिजिकल फॉर्म में खरीदे। इस बारे में मेरा क्या ओपिनियन है और मुझे क्या सही लगता है, इस पर है ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप एक बुक लवर हैं तो जरूर पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा तो जरूर दूर होगा आपका कंफ्यूजन। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो इस चॉइस को सपोर्ट करते हैं। मेरी नजर में तीन मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला पर्सनल चॉइस, दूसरा मनी या पैसा, और तीसरा स्पेस। यहाँ इस वीडियो में मैं अपनी बात कर रही हूँ तो तीनों फैक्टर्स मेरे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला फैक्टर है पर्सनल चॉइस। आप लोगों ने फ्रेंड्स बहुत लोगों को बोलते सुना होगा कि बुक्स में ही मजा आता है, मतलब फिजिकल फॉर्म में बुक्स पढ़ने में ही मजा आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में वो मजा नहीं मिलता। मैंने क्योंकि दोनों ही एक्सपीरियंसेस किए हैं तो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि किंडल में पढ़ना भी कोई बुरा नहीं है। मुझे तो मजा आता है किंडल में पढ़ने में, पर बुक्स को पकड़कर ओन करने में या उसको टच करके पढ़ने में जो सुकून मिलता है वो बात किंडल में नहीं है, ये तो है फॉर श्योर। पर पढ़ने के एक्सपीरियंस में, अदरवाइज की पढ़ाई में, मतलब बुक्स को पढ़ने में कोई कमी रह गई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी नॉवेल्स किंडल में ही पढ़ी हैं। अब एक बात है कि कितनी बुक्स खरीदेंगे आप, और हर वक्त सारी बुक्स अवेलेबल होती भी नहीं है आपके आसपास के मार्केट में। किंडल में आपको सारी बुक्स मिल जाएंगी। न्यू बुक्स तो खरीदनी पड़ती हैं, वो तो आपको किंडल में भी खरीदनी पड़ेंगी और वो आपको फिजिकल फॉर्म में भी खरीदनी पड़ेंगी। आपके सिटी में आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी हो तो सबसे अच्छा है, बुक्स बोरो कर लीजिए, पढ़िए, रिटर्न कर दीजिए। बचपन में तो यही किया करती थी मैं, बुक्स ओन करने का तब तक फंडा पता ही नहीं था। थोड़ा बड़े होने के बाद, काफ़ी बड़े होने के बाद मुझे लगा कि जो बुक्स मुझे पसंद हैं वो मेरे पास होनी चाहिए। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी अपने बारे में, मेरा ओपिनियन है, मेरे पास अगर जगह की कमी ना हो और भर के पैसे हो तो आई वुड डेफिनेटली गो फॉर द फिजिकल फॉर्म बुक्स। मैं ज़रूर खरीदती बुक्स, वो भी हार्ड कवर में, भले ही एक बार पढ़ूँ पर खरीद कर अपने पास रखती। सेंस ऑफ ओनरशिप, आपके पास जो ये बुक है, आप इस क्लासिक को ओन करते हो, वो एक अलग ही फील है। वो बुक लवर्स समझते होंगे, हर कोई नहीं समझेगा। कुछ लोगों को तो लगेगा ये क्या कमरा भर रखा है पूरा इतनी पुरानी बुक से, पर जो ओन करते हैं बुक्स वो जानते हैं कि क्या होती है ये फीलिंग, बुक्स को ओन करना, थोड़े थोड़े टाइम में उनको अरेंज करना, उनको उनकी डस्टिंग करना, मज़ा आता है ये सब करने में। ये मेरी चॉइस है। अगर होता, बहुत सारे पैसे होते और बहुत सारी जगह होती तो मैं डेफिनेटली हार्ड कवर बुक्स खरीदती। इकोनॉमी वाइज देखें अगर तो किंडल फार 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 बेटर है, क्योंकि एक साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं आप, बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, और किंडल अनलिमिटेड पे बुक्स का संसार भरा पड़ा है। लिटरली बुक्स का महासागर है किंडल अनलिमिटेड। आप उसमें जो बुक्स अवेलेबल हैं वो ही पढ़ के ख़त्म नहीं कर पाएंगे। परचेज करने का ऑप्शन तो फिर है ही किंडल में, आप सारी बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं किंडल अनलिमिटेड में, तो कुछ आपकी चॉइस की बुक्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं वो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं, किंडल से परचेज कर सकते हैं। किंडल ऐप में क्या रहता है जो मेरे पास है, मुझे बहुत ज़्यादा, मैं टेक सेवी नहीं हूँ, मेरे पास जो है मैं आईपैड में अपना किंडल ऐप चलाती हूँ, उसमें डाउनलोड किया हुआ है और ईयरली सब्सक्रिप्शन लेती हूँ। उसमें एट अ टाइम 10 बुक्स मैं रख सकती हूँ डाउनलोड करके, और मुझे अगर 11th चाहिए तो मुझे एक रिटर्न करनी पड़ती है। मैंने मेरी बहुत सारी बुक्स और स्टोरीज किंडल पे ही पढ़ी हैं। पढ़ने के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, पर हाँ कुछ टेंजिबल नहीं होता आपके पास, ये कमी तो है किंडल में। अब मैंने जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की गोरा किंडल में ही पढ़ी है, बट मैं अभी भी चाहती हूँ कि वो उसकी कॉपी मेरे पास हो, तो मैं डेफिनेटली गोरा खरीदूंगी। अभी नहीं है मेरे कलेक्शन में, पूरी मैंने पढ़ ली है, उस पर मैंने वीडियो बनाकर भी अपलोड कर दिया है, बट तो भी मुझको वो बुक
फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो मैं खरीदूंगी। मुझको बुक्स कलेक्ट करने का शौक है, अच्छा कलेक्शन हो मेरा, मेरे ख्याल से सबको होता है। बट कितना खरीदोगे आप, कहाँ तक खरीदोगे बुक्स, और कितने न्यू बुक्स खरीदोगे, कितने बुक्स ऑनलाइन खरीदोगे? रेट्स भी कोई कम नहीं होती हैं बुक्स की। मैं क्या करती हूँ ऐसे में, बुक फेयर्स में जाती हूँ। अच्छा, मैं इतनी लकी नहीं हूँ कि दिल्ली या मुंबई जैसे सिटी में रह रही हूँ जहाँ पे मैं रह चुकी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ वहाँ पे बुक मार्केट्स हैं जहाँ पे आप सेकेंड हैंड नहीं बोलूँगी, प्री लव्ड बुक्स मिलती हैं, आप वहाँ से परचेज करके ला सकते हैं। जिस टाइम मैं वहाँ रहती थी तब मुझे सिर्फ घूमकर मैं पेजेस फ्लिप करती थी, तब तक मैं खरीदती नहीं थी, स्टूडेंट थी। पर हाँ, पढ़ने का अच्छा लगता था बुक्स देखना, तो जाकर देखकर चक्कर लगा के आ जाती थी, कोर्स की बुक्स लेती थी, दूसरी बुक्स नहीं लेती थी। और अब जब मैं बुक्स लेने लगी हूँ तो अब मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। खैर, मेरी सिटी में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे बुक फेयर लगते हैं। मैं क्या करती हूँ, बुक फेयर्स में जाती हूँ और भर भर के प्री लव्ड बुक्स खरीद के लाती हूँ। बहुत अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाते हैं। और फिलहाल तो मैं पुरानी बुक्स ऐसे ही खरीद रही हूँ, न्यू बुक्स मिलती हैं यहाँ पे कुछ कम डिस्काउंट पे, मतलब कुछ कम रेट पे मिलती है, मिल जाती हैं। बाकी न्यू बुक्स खरीदना हो तो कहीं से भी खरीद सकते हो आप। अभी अभी मेरी सिटी में 3 बुक फेयर्स लगे हैं बैक टू बैक, जिनमें से 2 में मैं गई हूँ और बहुत सारी बुक्स लेकर आई हूँ, जिन पर मैं वीडियोस भी 2 अपलोड कर चुकी हूँ। एक और बचा है जिसमें मैं बच्चों की बुक्स लेकर आई हूँ, वो भी वीडियो जल्द ही अपलोड करूँगी। और मैं वेट कर रही हूँ अगला फेयर फिर से कब लगता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी बुक्स ऐसी भी हैं जो आपको न्यू ही खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि न्यू रिलीजेस तो न्यू ही मिलेंगे। फेयर में मैंने कुछ भी सोच कर बुक्स नहीं ढूंढी, जिसका भी टाइटल, कवर और ब्लर्ब अच्छा लगा वो बुक मैंने उठा ली। कुछ क्लासिक्स भी मिली और कुछ अननोन ऑथर्स की भी बुक्स लाई हूँ उठाकर। अब पढ़ूंगी जब पता पड़ेगा कैसी लगी मुझे, आपको भी बताऊंगी ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मैं कैसे बुक्स खरीदती हूँ और मुझे क्या अच्छा लगता है, किंडल और फिजिकल फॉर्म में बुक्स मेरे लिए दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, ये मैंने आज आपके साथ शेयर किया। आप भी अगर न्यू रीडर हैं या पढ़ना शुरू करने की सोच रहे हैं तो इसी तरीके से अपना कलेक्शन और अपनी लाइब्रेरी का कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन मेकिंग अ बेटर चॉइस। अब ये वीडियो एंड करती हूँ। See you soon in my next video. Till then, keep spreading the joy of reading. Bye-bye. Take care.